यार जब देश से प्यार होगा तो देश की चीजों से तो अपने आप ही हो जाएगा, है कि नहीं? जड़ी बूटियों से तो अपने आप हो जाएगा, आयुर्वेदा से तो अपने आप हो जाएगा, अपने संस्कारों से तो अपने आप हो जाएगा। पहली मोहब्बत देश से करना, और जिन लोगों ने अपने देश से मोहब्बत नहीं करी उन देशों का क्या हाल है वो आज आप देख सकते हो। इसी सोच के साथ 9 नवंबर 2014 को ये सोच लेके मैं आया था कि मैं दुनिया में कोई ऐसा काम करूं, कोई ऐसा काम कि मैं अपना जीवन यापन भी कर सकूं, अपनी गृहस्थी चला सकूं, एक अच्छा सुखमय जीवन जी सकूं और लोगों की धुन और लोगों का प्यार भी कमा सकूं। एसलिपिस एक सोच है, एक वो सोच जो मात्र 100 लोगों से शुरू हुई थी आज 18 लाख लोगों तक पहुंच चुकी है। मुझे नहीं पता था क्या होगा, मैं नहीं जानता था, पर मैं ये जानता था कि हमारा मिशन निर्णय क्लीन है, हमारी नीयत साफ है, हम सच्चे अच्छे प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, लोगों को अच्छा बिजनेस काम देना चाहते हैं, लोगों को अच्छी नॉलेज अच्छी एजुकेशन देंगे तो शायद हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा होगा। मैं कहता हूँ कुछ अच्छा होगा, मेरी में क्या, आप तो लाखों की जिंदगी में अच्छा ही अच्छा होगा। साढ़े सात साल पहले मैंने नहीं सोचा था कितनी कम उम्र में इतनी बड़ी तरक्की ये कंपनी कर लेगी, लेकिन की, और वो सिर्फ वजह हो आप होता। तो मजा आ रहा है काम करने में? अच्छा, पहली बार कितने लोग आए, हाथ खड़ा करो। फर्स्ट टाइम, अरे इंदिरा गांधी में फर्स्ट टाइम है जिंदगी, यहां कंपनी में पहली बार आए। देखो भाई, सीधे तरीके से समझो आपको यहां पर क्यों बुलाया गया। सिर्फ एक समझ देने, एक सोच देने कि इस दुनिया में अच्छे रास्ते चुनकर भी, अच्छे काम कर भी एक अच्छी जिंदगी जी जा सकती है, धन दौलत लोगों की दुआएं लोगों का प्यार कमाया जा सकता है। मैं सिर्फ आपसे इतना बताना चाहूंगा, इस दुनिया में आए हो तो इस जीवन को जीने के लिए कोई ना कोई काम तो कर रहे हो, ये सुन लो। क्या यहां बैठा कोई ऐसा आदमी है कि अपने जीवन यापन के लिए कोई काम नहीं कर रहा? क्या है कोई ऐसा आदमी? अरे कोई खेती करता होगा, कोई नौकरी करता होगा, कोई टीचर होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई मास्टर होगा, कोई ना कोई काम आप कर रहे हो, और उस काम को करने का कारण सिर्फ एक है, अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण करना। यह सुनो, सही है गलत है, काम तो करना पड़ेगा, जब तक हमारा जीवन है हमें काम करना पड़ेगा, बच्चों की फीस देनी पड़ेगी, स्कूल में पढ़ाना पड़ेगा, घर चलाना पड़ेगा, लेकिन हर काम की कीमत अलग अलग है मेरे दोस्त, हर काम की कीमत अलग अलग है। मजदूर 8 घंटे मजदूरी करता है, 600 रुपए कमाता है, डॉक्टर 8 घंटे डॉक्टरी करता है, 6000 कमाता है, हर काम की कीमत अलग अलग है। हमने आपको यहां से बुलाया है ये बताने के लिए आप निकम्मे नहीं हो, आप कमजोर नहीं हो, आप नाकामयाब नहीं हो, ये सिर्फ कहावती और बनावटी किताबी बातें हैं कि एक आम आदमी को कहता जो पैसा नहीं कमा रहा, अरे निकम्मा है, ये तो नकारा है, ये नाकामयाब है, क्योंकि लोग कामयाबी को दौलत से तोड़ते हैं, ऐसा नहीं है। आप निकम्मे नहीं हो, आप नाकामयाब नहीं हो, आप भी कामयाब हो। दुनिया का हर वो शख्स कामयाब है जो सुबह घर से निकलता है अपने बच्चों की रोटी पैदा करने के लिए, चाहे रिक्शा चलाता हो, चाहे ऑटो चलाता हो, चाहे नौकरी करता हो, चाहे मजदूरी करता हो, जो घर चलाने के लिए घर से निकलता है दुनिया में हर वो व्यक्ति कामयाब है। मैंने हमेशा कामयाबी को ऐसे सोचा है, हमेशा ऐसे सोचा है, लेकिन हम और ज्यादा कामयाब हो सकते हैं इस दुनिया में, लेकिन इस समाज ने हमें कोई मौका नहीं दिया। ये समाज भी अपने पैमाने बना गया, अपने पैरामीटर्स बना गया, ये समाज कहता है तेरी जरूरतों की मुझे कोई परवाह नहीं, तेरी परेशानियों की मुझे
मुझे कोई परवाह नहीं, तेरी तकलीफों की मुझे कोई परवाह नहीं, तेरे दुखों की मुझे कोई परवाह नहीं, तू कितनी मेहनत करता है मुझे कोई परवाह नहीं। ये समाज कहता है अगर तुझे कुछ बनना है तो तेरे पास पैसा होना चाहिए, अगर तुझे कुछ बनना है तो तेरे पास टैलेंट होना चाहिए, अगर तुझे कुछ बनना है तो तेरे पास एजुकेशन होनी चाहिए। समाज को कोई मतलब नहीं, तुम किस घर से हो, गरीब घर से हो, अमीर घर से हो, किराए के घर में रहते हो, मोटरसाइकिल है या नहीं, गाड़ी है या नहीं, बच्चे छोटे स्कूल में पढ़ते हैं कहाँ पढ़ते हैं, कोई मतलब नहीं। वो कहता है अगर तुझे बड़ा आदमी बनना है तो नॉलेज लेके आ, नॉलेज नहीं तो दौलत लेके आ, दौलत नहीं तो कोई टैलेंट लेके आ। ये समाज ऐसा है और मैं 7.5 साल से कह रहा हूं अगर तुझे बड़ा बनना है कोई दौलत नहीं चाहिए, कोई नॉलेज नहीं चाहिए, कोई टैलेंट नहीं चाहिए, सिर्फ तेरी मजबूत सोच चाहिए। हिम्मती तो हो, मेहनती तो हो, जज्बा तो है, जुनून भी है, पर रास्ता नहीं था। मैं वो रास्ता दिखाने तुमको तो यहां बुलाया। निकम में होते तो घर सो रहे होते यहां ना, तो ऊपर वाले की कुछ मर्जी है जो यहां आज आपको भेजा है। बहुत लोगों को आप मनाने गए होंगे, बहुत लोगों को आपने बोला होगा चलो फंक्शन में, बहुत लोगों ने मना की होगी, और आपको पता है जब ऊपर वाला आपको यहाँ नहीं भेजना चाहता तो घर में कोई तकलीफ पैदा कर देता। बहुत लोग शादी में नहीं जा पाते जब घर में कोई बीमार हो जाता है, तो यहाँ आना इतना आसान नहीं था। आज मर्जी तुम्हारी नहीं है, आज मर्जी ऊपर वाले की। कहते हैं भगवान सबको एक मौका जरूर देता है, ये वो मौका है। आई लव दिस इंडस्ट्री, मैं जीता हूं इस इंडस्ट्री के लिए, हर सांस हर धड़कन मेरी धड़कते इस इंडस्ट्री के लिए, इसलिए नहीं मैंने क्या कमाया। अरे जब इतने अच्छे प्रोडक्ट बना रहा हूं तो इन्हें दुकानों से भी बेच सकता हूं, ट्रेडिशनल भी बेच सकता हूं, ऑनलाइन भी बेच सकता हूं, इसलिए नहीं कि मैं यहां से पैसे कमाता हूं, इसलिए कि मैं यहां लोगों को जिंदगी जीना सिखाता हूं।